इंटू डी एक्स, जीरो से पाई लाइक टू टॉप ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसको आप आई मान लीजिए, आई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आप एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी जानते होंगे, या तो लिखिए बाई यूजिंग प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज करना है जीरो ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पिछले क्लास में भी हम बताया था ये प्रॉपर्टी ए टू बी कर करता है, ये भी वही है जहाँ ए का वैल्यू जीरो है बी की तरफ ए होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो आई बराबर हम इस प्रॉपर्टी से कितना लिख सकते हैं, देखिए जीरो से ए मतलब जीरो से पाई बाई टू है लॉग ऑफ साइन, ये लॉग ऑफ साइन एक्स कितना है एफ ऑफ एक्स बराबर है लॉग ऑफ साइन। तो यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाई टू एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स मीन्स लॉग ऑफ साइन ऑफ ए बराबर कितना पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। जैसे कि आपको क्या जानते हैं, आपको अगर दिया हुआ रहता एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर अगर दिया हुआ रहता साइन एक्स तो क्या रहते हैं एफ ऑफ अगर ए माइनस ऑफ एक्स लिखना रहता तो यही नहीं करते हैं साइन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स। सिमिलरली उसी को काट सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या है ए माइनस ऑफ एक्स वहाँ पर साइन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स। इस तरह से हम लोग मानते हैं वही यहाँ पर रखिए। अब आप लोग जानते होंगे साइन पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात है। क्या लिखेंगे हम लोग, हमें यहाँ से हो जाएगी आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन से कॉस हो जाएगा जो कि पाई बाई टू है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये इक्वेशन टू मान लीजिए, अब क्या करना है ऐड करना है दोनों इक्वेशन को, कौन कौन इक्वेशन वन और टू को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। देखिए इक्वेशन वन में देखिए लिख सकते कितना आई, इसमें भी लिख सकते कितना आई इज इक्वल टू, अब राइट साइड देखिए फर्स्ट में कितना है जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए आई प्लस आई क्या हो गया टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस, देखिए लिमिट सेम है ना जीरो से पाई बाई टू ये भी जीरो से पाई बाई टू ये भी है जीरो से पाई बाई टू ये भी है, सब एक ही इंटीग्रेशन की कहते हैं मतलब कि लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए आप जानते होंगे लॉग एम प्लस ऑफ लॉग एम बराबर क्या होता है लॉग एम इंटू एम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसको भी कर सकते हैं टू आई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू लॉग एम प्लस लॉग एम इज लॉग एम इंटू एम यहाँ पे हो जाएगी लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अभी तो कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं लेकिन इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करते हैं और टू डिवाइड कर देंगे तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या जानते हैं साइन टू एक्स के बाद, सिंस आप जानते हैं यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग जानते हैं सिंस साइन टू एक्स बराबर क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग
जो ये है 2i is equal to 0 to pi by 2 है, तो देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 sin x into cos x होता है, यहाँ पे क्या है sin x into cos x है, 2 लगा दीजिए, log into 2 sin x into cos x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो था sin x into cos x, लेकिन ये 2 अपना मान सकती है, इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो dx है, ये जो dx है वो dx लिख दिया, अब क्या होता है 2i is equal to 0 to pi by 2 log 2 sin x into cos x क्या होता है sin 2x होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं sin 2x और 2 sin x, ये हो जाएगा sin 2x divided by 2 into dx। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, तो बताइए log m by n है ना, log m by n आपको जानते होंगे log m minus log n, इसको हम लिख सकते हैं 2i is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x, ठीक है, minus of log 2 into dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि log m by n क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं log m by n क्या होता है, log m minus of log n, यहाँ पे क्या बनेगा फिर से 2y is equal to, अब अलग अलग कर देते हैं, देखिए 0 से pi by 2 log sin x sin 2x into dx एक इंटीग्रेशन, फिर माइनस 0 to pi by 2 log 2 into dx एक इंटीग्रेशन, तो 0 to pi by 2 log of sin 2x into dx minus of 0 to pi by 2 log 2 into dx। अब यहाँ पे देखिए ये जो log 2 है, ये जो log 2 है क्या है, ये जो log 2 आपको दिख रहा है ये क्या है, जो ये कॉन्स्टेंट है ना, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो ये हो जाएगी 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x into dx, जैसे जैसे रहते हैं देते हैं माइनस ऑफ log 2 कॉन्स्टेंट है ना, तो इसको बाहर ये बाहर निकालने की वजह क्या, 0 to pi by 2 log 2 into dx, मींस ये क्या होगा dx। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2i is equal to 0 to pi by 2 को, 0 to pi by 2 को हम क्या मान लेते हैं, i1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं i1 मान लेते हैं, फिर माइनस ऑफ log 2, और देखो ये क्या है dx का क्या इंटीग्रेशन होगा x, और क्या दिया हुआ है लिमिट का दिया हुआ 0 to pi by 2, मींस हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा pi by 2, जो कि x आएगा, लिख ही देता हूं मैं 0, ये सॉरी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट क्या होगा 0 to pi by 2, ये हम मान लेते हैं, यहां पे अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे i1 minus of pi by 2 minus of 0, अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा pi by 2 minus of 0, यहाँ पे कर देते हैं i1 minus of pi by 2 हो जाएगा into log 2, और ये 0 into something तो 0 ही होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 2 मान चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चलिए ठीक है, अब ठीक हुआ कि किसका वैल्यू निकालेंगे, i1 का वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है तो निकालते हैं, अभी वैल्यू का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू है 0 to pi by 2 log of sin 2x into dx, sin 2x into dx, यहाँ पे देखिए कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि हम इसको क्या मानते हैं, I बराबर 0 माने थे ना, और इक्वेशन फर्स्ट था, वे हम हटा दिए,
अपर लिमिट, अपर लिमिट में x बराबर कितना है पाई बाई टू, x बराबर क्या है पाई बाई टू। तो देखते हैं अगर x बराबर पाई बाई टू है तो t बराबर कितना होता है, तो t बराबर देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू टू एक्स है ना, एक्स बराबर रखिए यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई टू मीन्स पाई हो गया ना, ये पाई बचा, अपर लिमिट की टर्म में कितना होगा पाँच। तो अब जो इंटीग्रेशन होगा, अब जो इंटीग्रेशन होगा किसी किसके बीच मतलब लिमिट में होगा टी के टर्म में मिलेगा। अब एक से वेरिएबल को हम किस में कर लिए हैं टी के वेरिएबल को फॉर्म है, तो कहाँ से कहाँ तक होगा पाई से उधर जीरो से लेकर के पाई टी कहाँ आ गया, ये लोअर लिमिट हो गया और ये हो गया क्या अपर लिमिट, तो जीरो से लेकर के पाई हो गया, जीरो से पाई क्या है लॉग ऑफ साइन टू एक्स बराबर क्या माने थे टी ना टी, डी एक्स बराबर क्या है डी एक्स बराबर है डी टी बाई टू, ये भी लिखना बहुत जरूरी है डी टी बाई टू। तो ये बचा कितना, ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट है ना, वन बाई टू इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, वन बाई टू जीरो टू पाई लॉग साइन टी, लॉग साइन टी इंटू डी टी, ठीक है। अब किसका इंटीग्रेशन निकालना बचा, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे रहा लॉग साइन टी इंटू डी टी का, तो अब देखते हैं क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए है, जीरो टू ए ए फॉर्म एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये हो जाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख देता हूँ, ये हो जाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जीरो टू ए ए फॉर्म एक्स इंटू डी एक्स प्लस ऑफ जीरो टू ए ए फॉर्म टू ए माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक्स की टर्म में लिखते हैं, यहाँ पे क्या है समझिए क्या क्या है टी के टर्म में, ठीक है। तो ए बराबर सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कितना है जीरो से क्या है टू है, यहाँ पर आपका क्या है पाई है, यहाँ पर टू इंटू पाई बाई टू बना लेंगे, जैसे कि जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसका हम लोग ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू इंटू पाई है ना, पाई को क्यों लिख सकते हैं टू इंटू पाई बाई टू, इसको इस प्रकार से लिखे हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी होता है टू ए तो यहाँ पे टू ए ए बराबर कितना होगा पाई बाई टू हो गया, फिर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह कितना होगा लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, ये लिखा देता हूँ पाई माइनस टी इन
आपको छूट रहा है, तो ये वन बाई टू छूट रहा है, सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये वन बाई टू छूट रहा था, ये पूरा है, ये भी है वन बाई टू लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी प्लस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन पाई माइनस टी, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी, है ना। इन साइन पाई माइनस टी क्या होता है साइन टी होता है, लॉग साइन टी इंटू डी टी। अब देखिए ये दोनों सेम है, जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टी इंटू डी टी, जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टी इंटू डी टी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं I1 is equal to 1 by 2 into ये 0 to pi by 2 log sin t into dt, 0 to pi by 2 sin log sin t into dt, क्या हो गया 2 into 0 to pi by 2 log sin t into dt, ये 2 ये 2 कैंसिल हो गया, तो I1 का आपका कितना हो जाएगा 0 to pi by 2 log of sin t into क्या हो जाएगा आई वन की जगह क्या हो रहा है आई आया आई माइनस ऑफ पाई बाई
टू थीटा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ टू थीटा इंटू टू, ये टू पहले आ गया ना, ये dx बाई डी थीटा कितना बराबर हो गया, मतलब dx बराबर हो गया माइनस टू साइन टू थीटा इंटू डी थीटा, dx बराबर आ गया माइनस टू साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। अब देखते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट सही कर लेते हैं, ठीक है, x के टर्म में और x के रिस्पेक्ट में देखो क्या है लोअर लिमिट जीरो, अगर यहाँ पे वैल्यू जो पुट किए हैं उसमें अगर x का वैल्यू जीरो पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर जीरो थीटा पे, अगर x का वैल्यू जीरो पुट करते हो यहाँ थीटा पर भी यहाँ का लिमिट है ना, मतलब जब t नहीं यहाँ पर जब पुट आएगा थीटा के टर्म में है ना, क्योंकि क्या वेरिएबल है x से टू थीटा मान लो थीटा के वेरिएबल में आएगा, x के टर्म में कितना है जीरो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा पुट कर लिए इसमें वन बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो किस पे होता है, कॉस इनवर्स जीरो किस पे होता है, अगर x बराबर जीरो पुट करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा वन बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, कॉस इनवर्स जीरो कहाँ पर होता है, कॉस इनवर्स जीरो होती है पाई बाई टू पे ना, हाँ कॉस का वैल्यू जीरो कब होता है पाई बाई टू पे, ये हो जाएगी वन बाई टू इंटू पाई बाई टू, कॉस हमें भी जीरो होता है तो कॉस इनवर्स जीरो का वैल्यू हो जाएगी तो पाई बाई टू, ये हो गया थीटा बराबर रेडियन रेडियन में लिखे थीटा बराबर हो गया पाई बाई फोर, मतलब लोअर लिमिट हो गया थीटा के टर्म में पाई बाई फोर। अब देखिए एक्स का वैल्यू हो सकता है अपर लिमिट वन, अगर एक्स का वैल्यू वन है तो देखिए थीटा बराबर क्या है वन बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ वन, तो थीटा बराबर हो जाएगा वन बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ वन, कॉस इनवर्स वन कब होता है वन बाई टू, कॉस इनवर्स वन कब होता है जीरो पे, कॉस जीरो बराबर क्या होता है वन, ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू जीरो मीन्स जीरो, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा थीटा के टर्म में जीरो। अब इंटीग्रेट करते हैं थीटा के इस किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, मतलब एक से थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो गया सब्स्टिट्यूट किए तो, अब इंटीग्रेशन होगा थीटा के टर्म में जीरो से लेकर कितना पाई बाई फोर, लोअर लिमिट पाई बाई फोर आया ना, लगी ये तो आ जाएगी ये जो आएगी आई बराबर पाई बाई फोर से लेकर कितना जीरो, कितना है अब देखिए वन माइनस ऑफ एक्स, एक्स बराबर कितना कॉस टू थीटा, वन माइनस ऑफ कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस ऑफ कॉस टू थीटा इंटू इंटू डी एक्स बराबर मेरा आया है, डी एक्स बराबर कितना आया है माइनस टू साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा इंटू डी थीटा, ये माइनस टू बाहर निकाल लीजिए कितना आ जाएगा माइनस टू फाइव बाई फोर से लेकर के जीरो तक। अब देखिए वन माइनस ऑफ कॉस टू थीटा को कितना लिखेंगे, अब तुम जानते होंगे साइन टू थीटा का कितना होता है कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा बराबर होता है वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया वन माइनस ऑफ कॉस कॉस टू थीटा, और ये भी होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस ऑफ कॉस टू थीटा, अगर कॉस टू थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस ऑफ कॉस टू थीटा, देखिए वन माइनस ऑफ कॉस टू थीटा बराबर कितना टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस ऑफ कॉस टू थीटा बराबर कितना वन प्लस ऑफ कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे देखिए साइन टू थीटा इंटू डी थीटा, क्या बचा साइन टू थीटा इंटू डी थीटा, ये तो माइनस टू तो बाहर निकाल लीजिए, माइनस टू फाइव बाई फोर से लेकर के जीरो, ये टू टू कैंसिल क्या बचा साइन थीटा इंटू बाई कॉस थीटा बचा, दोनों में स्क्वायर है ना अंडर रूट है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ से ये साइन टू थीटा और कितना लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये कॉस थीटा
माइनस टू पाई बाई